मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले गणतंत्र दिन की और हमारे आजादी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये आजादी कैसी मिली और आज जो हम जश्न मना रहे हैं, आज जहां वहां तिरंगा लहरा है, सबके दिल में खुशी है, सबके दिल में एक किसी का दबाव नहीं है, सब स्वतंत्र है, तो सब जश्न मना रहे, इसका श्रेय किसको जाता है? चंद उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ तिरंगी झंडे पकड़े, और उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। शायद हम भूल रहे हैं, शायद ये इस देश का इतिहास बोल रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों ने यहां वीरता दिखाई है अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने ना कभी वो कभी इतिहास के पन्नों में आए ना किसी किताब में आए, फिर भी वो वीर कहलाए। आज असंख्य आदिवासी समाज है हमारे देश में, और अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई और जिसमें उन वीरों को वीरगति प्राप्त हुई, वो आदिवासी योद्धा थे। मैं आज अलाइव ब्रेथ के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि आजादी सिर्फ और सिर्फ जो किताब में इतिहास से है, उस इतिहास के वजह से आजादी नहीं मिली। आजादी उन वीरों की वजह से मिली जो किसी समुदाय में, किसी जंगल में, पहाड़ी में रहकर भी अंग्रेजों को मात देते थे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आदिवासी ऐसे अनगिनत वीर हैं जिनके बारे में इतिहास ने ना कभी बताया है, ना कभी इतिहास बताता है, ना किसी किताब में, ना किसी कक्षा में उनको पढ़ाया जाता है कि आदिवासी समाज के जो वीर है वो सिर्फ और सिर्फ आज भी आदिवासी लोगों के दिलों में है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि हमारे आदिवासी वीर थे और उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। शायद वो इतिहास के पन्ने के बाहर है, लेकिन हम उसको किताब में लाना हमारा काम है। तो चलिए दोस्तों, आज उन वीरों के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से हम आज आजादी का जश्न मना रहे हैं। जब सारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, भारत माता की जय के नारे पूरे देश में गूंज रहे हैं, आज के दिन उन शूरवीरों को याद किया जाता है, आंसू निकाले जाते हैं, पर जब बात आज़ादी की हो तो मन में सवाल पैदा होता है, क्या मुट्ठी भर शूरवीरों की वजह से आज़ादी मिल पाई है? कौन है वो जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों की फटती थी? वो कौन है जो भारत गुलामी में रहे ऐसा सोचता था? बहुसंख्य के आदिवासी रहने वाले इस देश में आदिवासी वीर पुरुष नहीं थे क्या? क्यों उनका नाम इतिहास के पन्नों से छिपाया गया? गुलामी तो गुलामी होती है, चाहे वो अंग्रेजों की हो या जातिवाद की। हर गुलामी के खिलाफ जिसने तलवार चलाई वो महापुरुष कहलाया है। ऐसे अनगिनत आदिवासी महायोद्धा इसी जमीन पर शहीद हो गए इस हमारे खूबसूरत वतन के लिए, और उनके नाम के पन्ने इतिहास की किताब से फाड़ लिए गए। इस इतिहास को दबाया गया, लेकिन वो वीर पुरुष आज भी इस देश के हर आदिवासी के दिलों में जिंदा है, और उनको सच्चे इतिहास तक पहुंचाना यहाँ के हर आदिवासी का कर्तव्य है। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं उन महावीरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, शायद उनके बिना यह आज़ादी किसी काम की नहीं है। तो आइए देखते हैं उन महावीरों को जिनका इतिहास ने तो भुला दिया, लेकिन इस संसार ने उनको याद रखा है। जब बात देश के आजादी के हो तो सबसे पहला नाम आता है क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा का, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का जमकर विरोध किया। उन्होंने अपने आदिवासी समुदाय का दल बनाया और लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। केवल 25 साल की उम्र में वो देश के लिए कुर्बान हुए, उन्हें गर्व के साथ आज भी याद किया जाता है।
उनका परिचय इस प्रकार है। नाम बिरसा मुंडा, कार्य आज़ादी के सेनानी, जन्म 15 नवंबर 1875, मृत्यु 9 जून 1900, जन्मस्थान उलिहतु झारखंड। जब बात आदिवासी समुदाय की हो तो वीरांगना रानी दुर्गावती नाम सुनकर किसकी छाती चौड़ी ना हो, ऐसी रणरागिनी रानी दुर्गावती मंडावी के बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। रानी दुर्गावती मंडावी वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हो गई। वो बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी है जो अपनी पराक्रम के लिए जानी जाती है, और वो है रानी दुर्गावती जी। रानी दुर्गावती अपने पति के मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना में शासन चलाया। इनके बारे में और कुछ जानते हैं। नाम वीरांगना रानी दुर्गावती, जन्म 5 अक्टूबर 1524, जन्मस्थान कलिंजर किला बाधा उत्तर प्रदेश, पिता किस्त राय, पति दलपत शाह, संतान वीर नारायण, मृत्यु 24 जून 1564। आदिवासी समुदाय इनकी वीरता और बलिदान को छत छत नमन करती है। ब्रिटिश जुल्मी शासन के खिलाफ जब 1857 को आज़ादी की पहली मशाल बनाई गई, इस मशाल ने पूरे देश भर में गोरे अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को भड़का दिया था। इसमें आदिवासी लोग सबसे आगे थे। हम मर जाएंगे या कुछ कर जाएंगे ऐसा नारा देकर इस युद्ध क्षेत्र में वो खुद को डाल देते थे। उस समय 500 आदिवासी लड़कों को साथ लेकर जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था वो थे चंद्रपुर के वीर बाबूराव शर्मा के, पूरा नाम बाबूराव पुलेश्वर बापू शर्मा के, गांव किष्टापुर, तहसील अहेरी, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। पिता पुलेश्वर बापू जंगली बापू शर्मा के, माता जुर्जा कुंवर चेनुरप्पा आंध्र प्रदेश, गोत्र चार देवे, विवाह 9 मार्च 1851, क्रांतिकारी लड़ा 7 मार्च 1858 से 18 सितंबर 1858, मृत्यु 21 अक्टूबर 1858। जब बात आदिवासी योद्धाओं की जाए तो सबसे पहले नाम आता है रॉबिन हुड टंटा मामा का, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में खुद के जान की बाजी लगाते हुए अंग्रेजों को पछाड़ा था। आज आज़ादी के इतिहास में उनका जिक्र भले ही ना हो, लेकिन तमाम आदिवासियों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। ब्रिटिश काल में देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी दमन चक्र जारी था। उस दौर में मालवा निमाड़ इलाके में जन्मे आदिवासी टंटा मामा ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। धीरे धीरे टंटा मामा का जलगांव सतपुड़ा की पहाड़ियों से लेकर मालवा और बैतूल तक दबदबा हो गया। वो आदिवासियों के सुख दुख के साथी बन गए। उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। वो अंग्रेजों की धन संपत्ति लूट कर गरीबों में बांट देते थे। टंटा मामा इंडियन रॉबिन हुड बन गए। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। नाम टंटा, कौशल्य और निपुणता तीर कमान और लाठी गोपन चलाना, पत्नी कागजबाई, 30 जून 1876 में इनको गिरफ्तार किया गया और 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई गई। तमाम आदिवासी समुदाय इनकी वीरता को नमन करती है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों में से आदिवासी महादेव कोड़ी लोग सबसे आगे थे। उसमें एक नाम था राघोजी भांगरे। पुणे और नगर जिले में राघोजी भांगरे और बापू भांगरे ने उठाव किया था। अंग्रेजों को लूट के गरीबों में संपत्ति बांटना राघोजी का काम था। पूरा भारतवर्ष इस गुलामी से निकल पाए इसलिए ये शेर हजारों अंग्रेजों पे भारी था। आदिवासी यहाँ इस जमीन का मालिक है और वह जुल्म नहीं सहेगा, ऐसे कड़े शब्दों में राघोजी भांगरे ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी। नाम राघोजी भांगरे, जन्म 8 नवंबर 1818, कार्य स्वतंत्रता सेनानी,
मृत्यु 2 मई 1848। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप तक सही बात पहुँचाना ही मेरा काम मैं समझता हूँ। और कृपया अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक कर दीजिए, आपके लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया और ऐसे ही वीडियो आपको सामने चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सब तक जाए इसलिए शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। अगर आपका सब्सक्राइब मेरा सब्सक्राइब बढ़ता है तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और नई जानकारी आपके पास लेने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए जय सेवा, भारत माता की जय। Yeah।